ध्यान से सुनो, नीट वालों का थोड़ा सा फेवरेट पार्ट है अल्किन, और यहाँ से आपको तीन तरह से पढ़ना होता है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्किन, दूसरी प्रिपरेशन ऑफ अल्किन पढ़ेंगे हम, अल्किन को कैसे बनाते हैं, और केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किन, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किन, ठीक है ना, CR, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किन। अब बात थोड़ी ध्यान से सुनो मेरी, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्किन, ये तीन चीजें हमें पढ़नी है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी से भी इस साल क्वेश्चन आने के चांसेस है आपके, और प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन से तो हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलो अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें क्या पढ़ना है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्किन से क्या क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि देखो, अगर मैं अल्किन की बात करूं तो जनरली अल्किन दो तरह के होते हैं। अब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री का फायदा समझ में आएगा। अल्किन हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस अल्किन, एक होता है बच्चों सिस अल्किन, और बच्चों दूसरा होता है ट्रांस अल्किन, ठीक है ना बच्चों। देखो, हमने दो तरह के पढ़े थे, एक तो सिस होता है, एक तो ट्रांस होता है। अब अगर दोनों मिथाइल ग्रुप, मान लो मैं ब्यूटेन ले रहा हूँ, डबल बॉन्ड CH3, मान लो ये वाला केस है हमारे पास, और ये वाला एक केस है CH3, ये उल्टा कर दिया ना मैंने, रुक जाओ, सीस की जगह पे मैं सीस लिख रहा हूँ CH3, और केस नंबर टू CH3 डबल बॉन्ड CH, ओके, ऑपोजिट करना था, ठीक है ना। देखो CH3, सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि इन दोनों में स्टेबल कौन है। तो देखो, ये दो CH3 आप सब देखो, तो यहाँ पे देखो रिपल्शन है बच्चों, यहाँ पे रिपल्शन है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखू तो दोनों CH3 एक दूसरे से दूर है, समझ में आ रहा है सभी को। तो मुझे बताओ स्टेबल कौन होगा, सब बताओ दोनों में से स्टेबल कौन है, बोलो। हाँ, वेरी गुड। कि सर अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो ट्रांस में दोनों CH3 अलग अलग है, और सीस में दोनों CH3 पास पास है, तो ट्रांस वाला हमारा स्टेबल होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आएगा कि स्टेबल कौन है, तो आप बोलोगे बच्चों ट्रांस आइसोमर जो होता है, देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एक होता है सीस और एक होता है, देखो डिस्टेंस अलग है दोनों का, एक होता है सीस एक होता है ट्रांस। तो याद रखना आपका ट्रांस आइसोमर एक स्टेबल आइसोमर होता है एज कंपेयर टू सीस। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते, देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है बॉइलिंग पॉइंट पे। अब यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखो यहाँ पे बच्चों, मान लो कोई चीज मैंने इस तरह से रखी हुई है, कुछ इस तरह से चीज रखी हुई है मैंने, इस तरह से, ये एक बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से चीज रखी है, और कुछ चीजें मैंने ऐसे रखी हुई है कुछ इस तरह से। तो मुझे बताओ दोनों में से, अगर मैं सिस और ट्रांस की बात कर लूं, तो देखो ये हो गया हमारा सिस, और बच्चों ये हमारा ट्रांस है, ध्यान से सुनना, ये हमारा ट्रांस है, ये कुछ इस तरह से ट्रांस, एक मिनट रुक जाओ, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारा ट्रांस है, तो ट्रांस में CH3 ग्रुप इस तरह से होते हैं, ठीक है ना, CH3 ग्रुप इस तरह से होते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा क्राउडिंग का आवाज आ जाएगा क्योंकि बर्थडे है घर में, तो आप उसको थोड़ा सा टॉलरेट कर कीजिएगा 10-15 मिनट अगर आया तो। देखो दो CH3 ग्रुप है, और दो CH3 ग्रुप कुछ इस तरह से, तो मुझे एक बात बताओ, कुछ CH3 ग्रुप इस तरह से, मान लो दो ग्रुप और लगाए मैंने, मतलब इस तरह से मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे हम एक के अंदर एक ग्लास डालते हैं बच्चों, ग्लास पता है सबको, एक के अंदर एक ग्लास ऐसे डाल के देखिएगा, वो प्लास्टिक के ग्लास होते हैं आपको पता है, ये होती है सर, ये होती है बच्चों सीस की अरेंजमेंट। बहुत सारे सीस के अल्किन एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, और ट्रांस के कुछ इस तरह से होते, देखो इस तरह से होते। तो बताओ दोनों में अच्छा अरेंजमेंट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, मतलब अच्छे से पैक कौन होता है, जल्दी बताओ, पैकिंग अच्छे से कहाँ पे हो रही है, सिस वाले में या ट्रांस वाले में। तो आपको पता है कि सर सिस वाले में जो पैकिंग है ना बच्चों अच्छी है, तो आप लिखोगे सर पैकिंग अच्छी है, पैकिंग इन केस ऑफ सिस इज गुड, यानी कि बच्चों अगर पैकिंग अच्छी है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो याद रखना सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस, ये मुझे बताना था इस एग्जाम्पल से। आपको क्वेश्चन आएगा कि सीस और ट्रांस में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, या मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ सकते हैं। तो याद रखना ये वाला थोड़ा सा खास केस है, सीस वाले का बॉइलिंग पॉइंट आपके NCERT में भी गिवन होगा ट्रांस से ज्यादा होता है, ठीक है ना। अभी तक मैंने दो क्वेश्चन बताए, क्या, एक तो स्टेबिलिटी का बताया,
ट्रांस एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, देखो ट्रांस अगर स्टेबल है, देखो होना क्या चाहिए था, अगर ट्रांस स्टेबल है तो ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो याद रखना दो क्वेश्चन आपके सामने वापस से मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो बोर्ड पे मैं दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो स्टेबल कौन होता है, ठीक है ना, तो याद रखना ट्रांस हमारा स्टेबल होता है, देखो ट्रांस हमारा स्टेबल होता है सीस वाले से। और बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछे तो बच्चों सीस का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है ट्रांस से, बस इन दोनों चीजों को आप याद भी कर लो तो भी बहुत ज्यादा सफिशियंट है। बच्चों मुझे एक बार बताओ, दोनों को, दोनों ऑर्डर सभी को याद हो जाएंगे, मैसेज करो, ये नीट को क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, जल्दी बताओ। ये दो ऑर्डर सभी को याद हो गए, मैसेज करो। अगर स्टेबिलिटी पूछे तो ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे तो बच्चों सीस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होता है। चलो अब सब मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो। सभी को दो लाइन क्लियर है सामने वाली, वेरी गुड। अब हम प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, वेरी गुड, कोई बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। देखो हम प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, अब हम चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्किन। देखो यहाँ पे लिख दूं मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किन। देखो यार आप सबने यहाँ तक आने से पहले रिएजेंट के सारे लेक्चर देख लेने चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखो जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, अब ध्यान से सुनना। अगर पहले, सबसे पहले तो मैं अल्किन बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ बच्चों, अल्किन बनाना है हमें, तो हमें एक अल्किन बनाना होगा अल्केन से। यहाँ पे मैं लिख दू कि प्रिपरेशन ऑफ अल्किन फ्रॉम अल्केन, यहाँ पे लिख दू अल्केन। तो अब हम पढ़ेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, अल्केन नहीं, अल्काइन, अल्काइन, ठीक है ना। यानी कि सर ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाना है, तो कोई सोच, कोई बता सकता है यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जल्दी बोलो। अगर मुझे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाना है तो कोई बताएगा मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, सोच के बताओ। वेरी गुड बच्चों, देखो अभी आप समझदार हो, आपको पता है बच्चों रिडक्शन करना पड़ेगा, तो रिडक्शन कुछ याद आ रहा है, मैंने रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाए थे, बोलो कौन सा रिएजेंट यूज करूं मैं, H2PDC, ये वाला रिएजेंट यूज कर सकता हूँ, या फिर सर जी आप एक काम करो ना, आप सोडियम इन अ लिक्विड अमोनिया यूज करो, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इस रिएजेंट को क्या बोलते थे बताओ तो सबके सब, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को हम कौन सा नाम देते थे, कुछ याद है सभी को, इसे बोला जाता है बर्च रिडक्शन, याद आया कुछ, बर्च रिडक्शन। तो देखना आप सभी को ये बात ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, मैं बस एक बार रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो अगर अल्काइन को अल्किन के अंदर कन्वर्ट करना है बच्चों तो रिडक्शन करना पड़ेगा, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ऐसा कुछ केस आ जाए तो बच्चों वहां पे रिडक्शन करो। और रिडक्शन भी हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो H2PDC यूज करो, या तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज करो। अब मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। देखो पहले तो हेडिंग आपको डालना पड़ेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्किन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि बच्चों प्रिपरेशन ऑफ अल्किन, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्किन फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम कहाँ से रे बच्चों, अल्केन से, फ्रॉम अल्काइन, ओके अल्काइन से। तो सबसे पहले तो आप अल्काइन लो, देखो CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड, बच्चों यहाँ पे एच ज्यादा हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड CH3, और मान लो अब मैं यहाँ पे सीधा यूज कर रहा हूँ लिक्विड अमोनिया, मतलब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो कोई बता सकता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, सब कोई मुझे बता सकता है प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर मैं अल्काइन, ये ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन है, कोई बता सकता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। अरे अल्किन तो बनेगा, ये बात सबको पता है, लेकिन कौन सा अल्किन बनेगा, सीस अल्किन बनेगा या ट्रांस अल्किन बनेगा। अब देखो अब कुछ याद आना चाहिए थोड़ा बहुत आपको, बताओ गायत्री। देखो यार रिवीजन करने की आपको बहुत जरूरत है, ठीक है ना, तो आप एक बार रिवीजन कर लेना। जब मैंने बर्च रिडक्शन पढ़ाया था तो एट द एंड मैंने पढ़ाया था कि ट्रांस अल्किन बनेगा, ट्रांस अल्किन बनेगा इन केस ऑफ बर्च रिडक्शन, जाके देख लेना पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है बर्च रिडक्शन। और वहां पे बोला भी था कि अल्काइन से बच्चों, वहां पे बोला भी था मैंने अल्काइन से हमें ट्रांस अल्किन मिलेगा, कब, जब मैं बर्च रिडक्शन करूंगा, तो ट्रांस अल्किन बना के देखो। अभी यहाँ पे दो CH3 आपके अपोजिट साइड पे आ जाएंगे, ये कार्बन ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH3,
और ये अच्छी, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। याद रखना हमेशा, देखो आपको रिएजेंट अच्छे से कर लेने चाहिए, ठीक है ना, रिवीजन कर लेना। याद रखना सोडियम इन लिक्विड अमोनिया में हमें ट्रांस अल्किन मिलेगा। कौन सा अल्किन मिलेगा? ट्रांस अल्किन मिलेगा। ये बात आपको जाके एक बार चेक कर लेनी है, ठीक है ना। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, आप पहले तो रिएजेंट देखो, आप पहले तो रिएजेंट देखो, ये कनेक्टिविटी होती है, ठीक है ना। तो मैंने वहां पे बोला था कि अगर अल्काइन रहा और अल्काइन से हमें ट्रांस बनाना है अल्किन, तो हम बर्च रिडक्शन का यूज करेंगे। अब केस नंबर टू, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ H2PD से। अब सबको पता है क्या होगा, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ H2PDC। अब आपका बनेगा बच्चों, अरे बच्चों अब हमारा बनेगा क्या, अब हमारा बनेगा बच्चों CH3 एट सेम साइड सीस अल्किन। अब क्लियर है, बोलो जल्दी, अब हमारा बनेगा सीस अल्किन। चलो सबके सब मुझे बताओ, इज इट क्लियर और नॉट, सब बताओ। अगर मैंने रिएजेंट H2PDC यूज किया तो बनेगा सीस अल्किन, और अगर रिएजेंट मैंने यूज किया कौन सा, बर्च रिडक्शन, तो बनेगा ट्रांस अल्किन। इसी तरह से हम, इस तरह से हम अल्काइन से बच्चों, अल्काइन से डबल बॉन्ड प्रिपेयर करेंगे। अब वो डिपेंड करता है तुम्हें कौन सा डबल बॉन्ड चाहिए। अगर तुम्हें ट्रांस डबल बॉन्ड चाहिए तो बर्च रिडक्शन यूज कीजिए, अगर तुम्हें सीस डबल बॉन्ड चाहिए तो भाई H2PDC यूज कीजिए, आपकी मर्जी। जल्दी बताओ, अल्काइन से अल्किन को, अल्काइन से अल्किन, हाँ बोल, बोलो बोलो क्या क्वेश्चन में मेंशन नहीं करते हो, क्या करते पता है, वो आपको रिएजेंट दे देंगे, और रिएजेंट देने के बाद जो आंसर आएगा ना, दो आंसर देंगे आपको, एक तो इस तरह से दे देंगे और एक तो इस तरह से देंगे, मतलब एक ट्रांस बना के देंगे, और आपसे वो पूछेंगे कि कौन सा बनेगा। तो आपको पता है अगर ये वाला रिएजेंट है तो आप इसको टिक कर देना, किसको, सिस वाले को, इसको आप करेक्ट करके आ जाना। और अगर लिक्विड अमोनिया वाला हुआ रिएजेंट, उन्होंने ये वाला मेंशन किया ऐसा कुछ, तो आपका ट्रांस बनाना, ठीक है, ये आंसर में मेंशन होगा, ठीक है ना बच्चों। वहां पे वो मेंशन करेंगे सिस या ट्रांस, ऑप्शन में भी आपको सिस ट्रांस गिवन होगा, ठीक है, हो गया क्लियर अभी, बोलो। हाँ गुड। देखो सबसे पहली बात तो हमने अभी पढ़ा कि अल्किन को हम अल्काइन से प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमने बर्च रिडक्शन यूज किया या फिर लिक्विड अमोनिया यूज किया, ठीक है ना। चलो आपके सामने एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। अब स्टेरियो केमिस्ट्री को इंक्लूड करूंगा मैं, आप बिल्कुल गलत मत देना सर, वरना बोलोगे सर आपने स्टेरियो नहीं पढ़ाई, भाई सब पढ़ा रखा है ना। अब आप मुझे आंसर देना कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और बिल्कुल सही आंसर देना मुझे, ठीक है ना। CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH2 CH3 बच्चों, और अब मैं जा रहा हूं करने H, यहाँ पे मैं लिख दूं क्या H2PDC, H2PDC। उन्होंने बोला है प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपके सामने ऑप्शन नंबर वन सी डबल बॉन्ड सी, बच्चों ध्यान से सुनना, CH3 एच एच, ध्यान देना अभी मजा आने वाला है, अभी मतलब सब क्या बोलते हैं उसको, सारी स्टेरियो निकलने वाले हैं सबकी। और दूसरा बता देता हूं मैं, सी डबल बॉन्ड सी CH2 CH3 CH3, बच्चों ध्यान से सुनना, आपको मैं खतरनाक चीज पढ़ाने वाला हूं, बस थोड़ा और रुक जाओ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, बोलो रे दोनों में से क्या बनेगा, ए बनेगा या बी बनेगा, बोलो सबके सब। अगर मैं इस रिएजेंट को यूज कर लू तो बोलो सीस बनेगा या ट्रांस बनेगा, बोलो। दोनों हाइड्रोजन एक साइड रहेंगे, हाँ, या दोनों हाइड्रोजन अलग अलग साइड रहेंगे, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल सही जवाब, कि बच्चों अभी बताया ना मैंने कि दोनों हाइड्रोजन आपको एक साइड लगाना है, यानी कि आपका बी प्रोडक्ट बनेगा। अब समझ में आए स्टेरियो क्यों पढ़ाए थे आपको, इसीलिए तो स्टेरियो पढ़ाए था ना, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, देखो अभी इसीलिए तो पढ़ाया था ना स्टेरियो, कि आप अच्छे से एक एक अभी मॉलिक्यूल को देखना सीख गए हो, कि नहीं सीस यानी कि दोनों ग्रुप एक साइड पे, और ट्रांस दोनों ग्रुप अपोजिट साइड पे। मैं थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब सबके सब देखना और मुझे बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने लेने लेकर आ रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन देखो। थोड़ा मैं अल्किन से ले लेता, अभी अल्काइन ने बढ़ा रहा, मैं अल्किन से ले लेता, मान लो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, क्या लू यार, CH CH3 CH CH3। अब मान लो बच्चों यहाँ पे आपको करना है H2PDC, देखो हाइड्रोजन के आपको एडिशन करनी है बच्चों, और मान लो ये ग्रुप आपका प्लेन के अंदर है, आप थोड़ा सोच के देखो,
मान लो अब मैं दोनों हाइड्रोजन को ऊपर से ऐड कर रहा हूँ, मतलब एबो द प्लेन ऊपर से ऐड कर रहा हूँ, यानी कि अभी यहाँ पे मैंने H2PDC यूज किया, H2PDC, और मान लो ये आपका अल्किन है, ये अल्किन है, और आपको पता है अल्किन का रिडक्शन अल्केन में होता है, ठीक है ना। जैसे आपने ऐड किया बच्चों, आपको पता है अल्किन का रिडक्शन अल्केन में होता है, तो आप बोलोगे सर देखो ऊपर से ऐड किया तो देखो यार सर ये देखो ये कार्बन है, और कार्बन के बाद एक हाइड्रोजन एबो द प्लेन आ जाएगा, और ये दूसरा कार्बन है, एक हाइड्रोजन एबो द प्लेन आ जाएगा बच्चों, और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पे चला जाएगा, बिलो द प्लेन, और ये बन गया आपका ये CH3 एज इट इज। सिमिलरली ये भी देखो सर, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन चला जाएगा, ऊपर से एक आपने हाइड्रोजन ऐड किया, ठीक है ना, ऊपर से ऐड किया और ये CH3 आपके प्लेन में। तो क्या आप सभी को अभी कनेक्टिविटी आ रही है, मैं स्टेरियो केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद आप सभी को इमेजिन होने लगा होगा कि हाँ सर दोनों ग्रुप ऊपर से ऐड किया आपने। नहीं मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ अल्किन का, अल्किन से पढ़ा रहा हूँ कि अगर अल्किन का हमने रिडक्शन किया ना, देखो अल्किन का हमने रिडक्शन किया ना, इस वाले अल्किन का तो अल्किन बनता है ना, हमें ये तो पता है ना, हमने रिएजेंट में पढ़ा था कि डबल बॉन्ड का रिडक्शन किस में होता है, सिंगल बॉन्ड में। मैं बस आपको थोड़ी स्टेरियो का नॉलेज दे रहा हूँ कि हाँ बस कि मान लो ये सारे ग्रुप प्लेन में, और अगर आपने दो हाइड्रोजन एबो द प्लेन से ऊपर से ऐड किए, ऐड करने के बाद आपको क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, तो देखो सर ये मान लो एक ग्रुप आपका प्लेन में है ये वाला, तो एक हाइड्रोजन आपका कहाँ पे रहेगा, बिलो द प्लेन। अभी किसी को लगता है कि सर एक काम करो इस CH3 को प्लेन के नीचे ले लो, तो आपकी मर्जी, CH3 को प्लेन के नीचे ले लो, हाइड्रोजन को यहाँ पे ले लो, किसी को लगता है CH3 को इधर लेना है तो बिल्कुल ले सकते हो आपकी मर्जी, और हाइड्रोजन को प्लेन में ले लो, ठीक है ना। लेकिन याद रहे मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेरियो केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन में अगर इस तरह का कुछ दे दे तो डर मत जाना, देखो इस तरह का कुछ दे दे आंसर में तो डर मत जाना, देखो आपको मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है, तो मुझे आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है बेटा, बस थोड़ा रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, ठीक है ना। अब मान लो मैं थोड़ा सा आपको डराने के लिए कुछ कुछ मतलब बहुत खतरनाक चीज करने वाला हूँ अभी मैं, देखो ये मान लो इधर लिख देता हूँ CH3, इधर लिख देता हूँ CH3, और डबल बॉन्ड CH3। मान लो आप मैं खतरनाक चीज करने वाला हूँ अभी, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी तरह का आएगा, और मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ H2PDC, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी, ध्यान देना सी, यहाँ पे लिख दूँ मैं CH, ओ ये क्या कर दिया मैंने, बेटा यहाँ पे मैं लिख दूँ हाइड्रोजन सी हाइड्रोजन, और देखो एक देखो आपको पता है, फिर यहाँ पे मान लो आप एक बिलो द प्लेन, प्लेन के अंदर दो हो गए आपके, और एक होगा प्लेन से बाहर, ठीक है ना, यहाँ पे आप CH3 लगा सकते हो, यहाँ पर भी मान लो एक प्लेन के अंदर और एक प्लेन से बाहर, एक प्लेन के अंदर, मतलब तीन चार ग्रुप हमें लगाने अलग अलग। और एग्जाम्पल नेक्स्ट आपके सामने लिख रहा हूं मैं CH3, ओके ये थोड़ा हटा देता हूँ बेटा, हाइड्रोजन मान लो हाइड्रोजन, यार ये क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ बस थोड़ा पेन साफ कर लूँ, ओके कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बच्चों बहुत आंसर एकदम सोच समझ के देना, एक बिलो द प्लेन एक प्लेन के अंदर, या CH3 लिख दूँ यहाँ पे, CH3 लिख दूँ, मान लो CH3 है, देखो अब थोड़े अभी यहाँ पे देखना, नहीं ये तो प्लेन के अंदर आएगा ना, दो ग्रुप प्लेन के अंदर होते, एक एबो द प्लेन एक बिलो द, अब बहुत सोच के देखना, मुझे एक बात बताना कि देखो ये दिखने में कितने टफ दिख रहे हैं ना आप सभी को, देखो होता क्या है बच्चों, इनको देख के डर मत जाना, ये दिख रहे हैं ना आपको ऐसे बाहर अंदर बहुत, मतलब स्टेरियो केमिस्ट्री मतलब देखो आप अगर आपको अच्छे से आती है तो आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। आपको मैं बोलूं कि दोनों की एडिशन जो होती है ना वो एक साइड से होती है, आप सभी को पता है ना, सी से एडिशन होती है, एक साइड से होती है, तो प्रोडक्ट में भी दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे चाहिए बच्चों, जल्दी बताओ प्रोडक्ट में भी दोनों हाइड्रोजन कहाँ पे चाहिए रे, या तो दोनों एबो द प्लेन चाहिए या दोनों बिलो द प्लेन चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो ना उन्होंने क्या किया है, एक एबो द प्लेन एक एबो द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, तो क्या पहला प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे सबके सब बताओ, इज इट पॉसिबल और नॉट, देखो पहला प्रोडक्ट तो बन ही नहीं सकता, तो आपका आंसर होगा बच्चों बी, क्योंकि देखो सिस एडिशन होनी चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको डराने के लिए, लेकिन अब आप रेडी हो कि आप सर हमें स्टेरियो केमिस्ट्री अब आती है, अगर प्रोडक्ट बनाना ही है तो हम करेक्ट बनाएंगे,
या तो वो क्या करेंगे देखो, या तो वो दोनों को अबो द प्लेन दे देंगे, या दोनों को क्या करेंगे बिलो द प्लेन दे देंगे कुछ इस तरह से, और ये साइड वाले ग्रुप को क्या कर देंगे ऐसे दे देंगे ये अबो द प्लेन, तो भी बिल्कुल, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक साइड से आ रहे, चाहे वो नीचे से आए ऊपर से आए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों हाइड्रोजन एक साइड से चाहिए सर, तो ही हम आंसर करेक्ट करेंगे। आप समझ में आया सभी को, जल्दी बताओ। चलो अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते, मैंने बहुत स्टेरियो केमिस्ट्री के बारे में बता दिया, चलो आगे बढ़ते अभी बेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि सर आगे बताओ, पहले तो हमने अल्काइन से पढ़ा कि अगर अल्काइन से मुझे अल्किन बनाना है, सुनो अगर मुझे अल्काइन से अल्किन बनाना है तो या तो मैं बर्च रिडक्शन यूज करूंगा या H2PDC यूज करूंगा। सेकेंड मेथड क्या है? तो भाई सेकेंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो सेकेंड मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कुछ एग्जाम्पल ले ले सॉरी कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मुझे आंसर बताओ क्या बनेगा। ये पहला तो ये बताओ, CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा। यहाँ पे मैं लिख दू CH3C, ठीक है ना, और यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ H2PDC, बच्चों क्या बनेगा प्रोडक्ट सबके सब बताओ, अल्किन बनेगा सर जी, CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH, और ये नया हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, यानी कि सर कुछ नहीं करना आपको, ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में करना है और दो हाइड्रोजन आपको ऐड कर देने सिस साइड से, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना, प्रोपीन बना। देखो ये प्रोपाइन था, देखो ये प्रोपाइन था, ट्रिपल बॉन्ड था प्रोपाइन, और बच्चों ये बन गया आपका प्रोपीन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में एग्जाम में आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, ये भी आते हैं, ठीक है ना। ये बन गया आपका, ये एग्जाम्पल था, ये आप सॉल्व कर देना, ठीक है ना। सभी को पहली मेथड समझ में आए, हम ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में किस तरह से जा सकते हैं, एक बार मुझे मैसेज करके सब बताओ तो मैं नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ूंगा। बोलो, फर्स्ट मेथड सभी को क्लियर है, अल्किन सॉरी अल्काइन से अल्केन की तरफ जाने का फर्स्ट मेथड सभी को क्लियर है। देखो टाइम जा रहा है तो जाने दो, हम उसका मैं उतनी बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है ना, आपके एग्जाम में काम आएगा बाद में। चलो नेक्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे बच्चों, मान लो हमारे पास अल्किल हैलाइड है, मान लो हमारे पास कौन है, अल्किल हैलाइड है, अल्किल हैलाइड है, और हमें क्या बनाना है बच्चों, बच्चों हमें अल्किन बनाना है। अब ये वाली मेथड थोड़ी खास है, अल्किन बनाना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड, ये बहुत खतरनाक मेथड है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते, हर साल आता है और आने के चांसेस है। क्या बोला मैंने, हमें अल्किन बनाना है, कहां से, अल्किल हैलाइड से। तो देखो पहले तो मैं अल्किल हैलाइड को लिख देता हूँ, पहले तो मैं अल्किल हैलाइड को लिख देता हूँ, देखो चलो सबसे पहले तो अल्किल हैलाइड लिखते हैं, चलो उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो सर जी, अल्किल हैलाइड है आपके पास, मान लो दो कार्बन कुछ इस तरह से लिख दिए मैंने, और मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मान लो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मान लो एक दो, और मान लो यहाँ पे आप हेलोजन लगा दो, एक्स ग्रुप, एक्स का मतलब होता है हेलोजन, ये RX से, यानी कि सर कार्बन चेन है और उसके साथ एक्स ग्रुप है, देखो कार्बन चेन, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं CH3CH2X, लेकिन मैंने इसको खोल के रखा, जानबूझ के ऐसे लिखा, समझ में आया, इसी चीज को मैंने ऐसे लिखा, अल्किल हैलाइड को मैंने ऐसे लिखा। आप क्लियर है सभी को, बोलो रे सभी को, ये बात तो क्लियर है ना कि इसको मैंने ऐसे लिखा, ऊपर वाले को लिखा मैंने, ऊपर वाले को लिखा नीचे की तरफ, मतलब कुछ खोल के लिखा अच्छे से। अब ये आपका अल्किल हैलाइड है, आपको अल्किन बनाना है बच्चों, अरे आपको अल्किल बनाना है, अल्किन का मतलब क्या सर, सर जी आपको ना क्या करना है पता है, आपको अगर अल्किन बनाना है तो या तो ये वाली चीज आपको नहीं चाहिए और ये वाली चीज आपको नहीं चाहिए, और आपको एक चीज चाहिए जो कि डबल बॉन्ड है, यानी कि सर ये हाइड्रोजन आपका एज इट इज रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी आपका एज इट इज रहेगा, उसके बाद ये कार्बन तो एज इट इज रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन एज इट इज रहेगा, मान लो इनको लिख दू और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, बन गया ना सर जी अल्किन, ये बन गया आपका अल्किन। लेकिन हुआ क्या बच्चों, हुआ क्या, अब मुझे बताओ थोड़ा सोच के बताओ। हाँ वेट, मैं बता रहा हूँ सब बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। बस इतना देखो, अगर मुझे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाना है बच्चों, सुनना, अगर मुझे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की तरफ जाना है, यानी कि ये आपका पाई बॉन्ड है, यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड बनाना है, और दो सिग्मा बॉन्ड, यानी कि ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये वाला सिग्मा बॉन्ड आपको ब्रेक करना है, तो ध्यान देना
मैं यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, दो सिग्मा बॉन्ड को क्या कर रहा हूँ बच्चों, ब्रेक कर रहा हूँ और एक पाई बॉन्ड बना रहा हूँ इन दोनों के बीच में। समझ में आया अभी सभी को? और यहां से मैं क्या निकाल रहा हूँ बाहर, एच एक्स निकाल रहा हूँ, एच एक्स माइनस एच एक्स, इस रिएक्शन से एच एक्स बाहर निकाल रहा हूँ। देखो मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा मैं, थोड़ा सा वेट कर लो, मैकेनिज्म अब आने वाला है, बस मेरी बात सुनो। मैंने क्या किया, मैंने अल्किल हैलाइड लिया, ठीक है ना, मैंने अल्किल हैलाइड लिया ये वाला आपके सामने। जैसे अल्किल हैलाइड लिया बच्चों, आपको क्या करना है, आपको ना ये एच और इस एक्स को हटा देना है। क्यों क्यों हटाना है सर? इनको हटाने के बाद आप यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते हो कुछ इस तरह से, मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा होल्ड करो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, एक तो दो पाई बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये तो सिग्मा बॉन्ड है आपका, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। आपको सब नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, सीरीज वाइज आपने लेक्चर देखने चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। देखो ये दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बन रहा है आपके पास, एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या क्या बाहर जा रहा है रे बच्चों? हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को तो पहले बोला जाता है डी हाइड्रो, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। हेलोजन भी बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन भी जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली बात तो आपको समझ में आया, अल्किल हैलाइड से अल्किन में जाना यानी कि क्या, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी दोनों को निकालना। समझ में आया सभी को? डी हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है, मैसेज करके बताओ। अल्किल हैलाइड से अल्किन में जाना यानी कि डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। बोलो बच्चों क्लियर है? वेरी गुड, अब मेरी बात सुनो अच्छे से, क्लियर है ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब थोड़ा इसको समझते हैं सर, अब मुझे एक बात बताओ सबके सब, थोड़ा दिमाग लगाओ। और आपको अगर हाइड्रोजन नहीं चाहिए, अगर आपको हाइड्रोजन नहीं चाहिए, ये वाली चीज नहीं चाहिए, तो इसको निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे सब बताओ? हाइड्रोजन वाली चीज को निकालने के लिए क्या यूज करोगे आप, बोलो बच्चों? अगर हमें हाइड्रोजन निकालना है रिएक्शन से तो क्या यूज करोगे? क्या पढ़ाया था मैंने ऑर्गेनिक में, बोलो जल्दी, जीओसी में क्या पढ़ाया था? जो हाइड्रोजन नहीं यार, हाइड्रोजन को खाने वाला हमारा बेस होता है, इसको देखो ना थोड़ा सा। अब समझ में आया क्या बताना चाहता था मैं? बेस होता है, थोड़ा सोच के देखो, अगर मुझे हाइड्रोजन को पिकअप करना है तो मैं वहां पे ऑक्सीजन ऐड थोड़ी ना करना है यहाँ पे मुझे। समझ में आया अभी? हाँ, ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है, ठीक है ना, आप जैसे सोच रहे हो ना, लेकिन यहाँ पे देखो एक बेस चाहिए हमें सर, एक क्या चाहिए बोलो, बेस चाहिए जो इस एच को खा ले, इस एच को खा ले, भगा कर ले जाए। चलो ठीक है, अब देखो मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो सबके सब, क्या एच प्लस डोनेट करता है, कहाँ पे पढ़ा तूने? लोन पेयर डोनेट करता है, वो एच प्लस खाता है, लोन पेयर डोनेट करता है, एच प्लस खाता है, ठीक है ना। देखो ये अमोनिया है आपका, हाँ बारूंगा पकड़ के, ये आपका एच प्लस खाता है, ठीक है ना, ये होता है आपका बेस मान लो। अब देखो हमें कौन सा बेस यूज करना है बच्चों, अल्कोहलिक के ओ एच, याद रखना मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, अल्कोहलिक के ओ एच। अब बच्चों अल्कोहलिक के ओ एच का क्या मतलब है, देखो दो तरह के ओ एच होते हैं बच्चों, ध्यान देना, आज मैं आपको क्लियर ही कर देता हूं। एक होता है एक्वियस, एक होता है एक्वियस के ओ एच, और दूसरा होता है अल्कोहलिक के ओ एच। देखो बच्चों अब मैं आपको समझा रहा हूं इन दोनों का डिफरेंस क्या है। देखो देखो एक्वियस का मतलब होता है पानी और के ओ एच, समझ में आया? अल्कोहलिक का मतलब होता है इथेनॉल, अल्कोहल का मतलब होता है इथेनॉल जो होता है हमारे पास, देखो CH3 CH2OH और इसके साथ के ओ एच होता है, इसके साथ के ओ एच होता है। सभी को डिफरेंस समझ में आया? अल्कोहलिक के ओ एच बोले तो एक अल्कोहल उसके साथ के ओ एच, एक अल्कोहल उसके साथ के ओ एच, ठीक है ना बच्चों। और एक्वियस के ओ एच का मतलब पानी के साथ के ओ एच, इज इट क्लियर और नॉट, बोलो जल्दी। अल्कोहलिक के ओ एच और एक्वियस के ओ एच का मतलब समझ में आया? बोलो एक्वियस और अल्कोहलिक के ओ एच का मतलब सभी को क्लियर है? आपके पूरे ऑर्गेनिक में ये चीजें आने वाली है, ठीक है ना, आपके पूरे ऑर्गेनिक में ये वाली चीज आपको डिस्टर्ब करेंगी कि एक्वियस के ओ एच और अल्कोहलिक के ओ एच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया अल्कोहलिक के ओ एच का मतलब होता है उसके साथ अल्कोहल होता है, एक्वियस का मतलब होता है उसके साथ पानी होता है। तो अब मेरी बात सुनो, अब इन दोनों में क्या रिएक्शन होती है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, वेट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सबके सब, सबसे पहले तो एक्वियस के ओ एच, देखो एच ओ एच ये वाटर होता है
और ये बेस होता है आपका के प्लस और ओ एच माइनस। बच्चों ये ओ एच माइनस क्या करता है पता है, ये ओ एच माइनस एच प्लस को खा लेता है, ठीक है ना। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, आप सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है जो कि मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये बेस इस पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बनेगा, ओ एच माइनस बनेगा प्लस देखो एच टू और ये के प्लस एज इट इज, यानी कि वही बना ना, अरे स्टार्टिंग में जो था वही बना, इसको थोड़ा हटा देता। अब चेक करो जो स्टार्टिंग में था वही बना ना यार, वही तो बना एच टू और के ओ एच, यानी कि जो चीज थी वही बनी। यानी कि देखो आपको ये चीज क्लियर करनी है कि एक्वियस के ओ एच में अगर मैं बात करूं तो के ओ एच और पानी की जब रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या, वही बनेगा जो स्टार्टिंग में था, आप रिएक्शन करके देख लो। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये जो ओ एच माइनस है ना, यहाँ पे जब अगर एक्वियस ओ एच, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूँ एक्वियस के ओ एच की, तो ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, एक सेकेंड ना, देखो एक्वियस के ओ एच की अगर मैं बच्चों बात करूँ तो ध्यान से सुनना, यहाँ से बस ओ एच माइनस आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से आपका ओ एच माइनस ही आ रहा है, और ये ओ एच माइनस आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये ओ एच माइनस आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, इट इज नॉट एक्ट एज अ बेस। एक्वियस के ओ एच का ओ एच माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, नॉट एक्ट एज अ बेस, इट इज नॉट एक्ट एज अ बेस। ये लाइन आपको याद रखनी है, फिलहाल आपको क्लियरली ये चीज याद रखनी है कि ये एक्वियस ओ एच में जो ओ एच माइनस रहेगा ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा जो कि कार्बन पे अटैक करेगा, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करते हैं बच्चों, कार्बन या इलेक्ट्रो इस पे अटैक करते हैं, कार्बन पे, ये हाइड्रोजन को नहीं खा सकता, ये हाइड्रोजन को खा नहीं सकता, क्लियर है बच्चों, ये आपका ओ एच माइनस एच प्लस को खा नहीं सकता। तो पहली बात तो ये याद रख लो, एक्वियस के ओ एच इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल बट नॉट एक्ट एज अ बेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, ये तो पहली बात थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर, अल्कोहलिक केओएच में और एक्वियस केओएच में मेन डिफरेंस बताइए। तो देखो आपके सामने अगर मैं अल्कोहल ले लू कोई भी, देखो ये ओएच है आपका, यहां पे ले लू ओएच और यहां पे केओएच ऐड कर दू, के प्लस ओएच माइनस, जैसे कि आपको पता है बेस है एसिडिक एच प्लस खाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा सर, यहां पे बन जाएगा CH3 CH2 O माइनस। अब ये वाली चीज बनी ना, ये वाली, पहले तो ये नहीं बन रहा था, अब ये वाली चीज बनी और प्लस पानी बना, ठीक है ना, और प्लस इसको बैलेंस करने के लिए K प्लस बना, ये K प्लस बना। अब देखो ये बात समझ में आई सबको, जल्दी बताओ ये सामने वाली रिएक्शन सभी बच्चों को क्लियर है, जिन जिनने रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ रखा है, रिएजन पढ़ रखा है, जीओसी पढ़ रखा है, उनको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। बेस है KOH, उसने H प्लस खाया, H प्लस खाने के बाद वो तो पानी में चला गया, H2O बन गया, और यहाँ पे बना CH3 CH2O माइनस, और ये K प्लस इसको बैलेंस कर रहा है, देखो समझ में आया। अब ये वाली जो चीज दिख रही है ना बच्चों, भाई सुनना, ये वाली चीज दिख रही है ना, ये आपका बेस की तरह काम करेगा, सुनना अच्छे से, ये आपका एक्ट करेगा, इट इज एक्ट एज अ बेस, इट इज एक्ट एज अ बेस, इट इज एक्ट एज अ बेस, देखो ये आपका बेस की तरह काम करेगा, नॉट, यहाँ पे याद रखना, नॉट न्यूक्लियोफाइल। दो चीजें मैंने अब आपको कॉन्ट्रोवर्सी बता दी दोनों में, क्या बताया, अल्कोहलिक के ओ एच एक बेस है लेकिन एक्वियस के ओ एच एक आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये दो चीजें आपको बिल्कुल याद ही रखनी है, जब वक्त आएगा तब मैं इनको सुटेबल एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है ना। मतलब न्यूक्लियोफाइल और बेस क्या होते हैं उनके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, फिलहाल जो बता रहा हूं उनको याद रख लो कि अल्कोहलिक केओएच आपका बेस की तरह काम करेगा और एक्वियस केओएच आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो अब मुझे सब बताओ रे, देखो अब मुझे सबके सब बताओ रे, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, आपको पता है कि मान लो मेरे पास कोई भी अल्किल हैलाइड है, देखो ये वाला, ये अल्किल हैलाइड है बच्चों मेरे पास, एकदम खतरनाक वाला आपको दिख रहा होगा, और अब मैं हाइड्रोजन दिखा रहा हूं, देखो मान लो यहाँ पे हेलोजन ग्रुप है, कोई भी हेलोजन ग्रुप ले लिया, अब मैं यहाँ पे अल्कोहलिक के ओ एच यूज कर लेते हैं, अल्कोहलिक के ओ एच जो कि आपका एक बेस है बच्चों, ये आपका एक बेस है, और बेस क्या करेगा,
सर ये हाइड्रोजन को खाएगा, इस वाले कौन से वाले हाइड्रोजन को खाएगा, इस वाले हाइड्रोजन को खाएगा। देखो ये हाइड्रोजन जिसको अटैक है ना, इस वाले कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा, क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा कार्बन। ये कार्बन जो होता है ये होता है आपका बीटा कार्बन, और ये हाइड्रोजन आपका होता है बच्चों बीटा हाइड्रोजन। इस बीटा हाइड्रोजन को कौन खाएगा बोलो, अल्कोहलिक KOH खाएगा। अब हाइड्रोजन को खाने के बाद इस कार्बन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ये वाली चीज बनेगी देखो CH2-, ठीक है ना, ये CH2 एज इट इज और ये हेलोजन एक्स एज इट इज। सबको स्टेप फर्स्ट समझ में आई कि अल्कोहलिक KOH ने H+ को खाया और इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज बना। बोलो बच्चों इज इट क्लियर और नॉट, बोलो हाँ या ना। स्टेप फर्स्ट सबको समझ में आई कि वहां पे निगेटिव चार्ज कैसे आया, जैसे ही KOH ने, अल्कोहलिक KOH ने हाइड्रोजन को खाया, वहां से इलेक्ट्रॉन कार्बन पे शिफ्ट हुए और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद कार्बन के ऊपर आया निगेटिव चार्ज। सभी को क्लियर है, बोलो। अब देखो अब होता क्या है, देखो